मैं रचना आज आप सामने लेकर आई हूँ राष्ट्रपति प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की। क्या होते हैं राष्ट्रपति के कार्य, क्या होती है उनकी शक्तियाँ, कैसी होती है उनकी शपथ, ये सब आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। भारत का राष्ट्रपति, देखिए राष्ट्रपति जो होता है भारत का, भारत के राज्य का प्रमुख होता है, और आपको बोला भी जाता है कि जो फर्स्ट मैन होता है वो राष्ट्रपति को ही बोला जाता है। भारत का जो प्रथम नागरिक है यानी कि फर्स्ट मैन वही होते हैं। संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है और इसका प्रयोग संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा राष्ट्रपति जी करते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात तो ये है कि राष्ट्रपति देश के सेनाओं के सर्वोच्च सेनापति भी होते हैं। ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में भी आता है कि राष्ट्रपति देश की सेनाओं के सर्वोच्च सेनापति माने जाते हैं। इनका निर्वाचन कैसे होता है तो हम बात करेंगे कि संविधान के अनुच्छेद 54 और 55 में राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित सारी बातें दी गई हैं। अनुच्छेद 54 में ये बात बताई गई है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में मत देने का अधिकार किसे होगा, जबकि 55 में ये बताया गया है कि निर्वाचन की प्रक्रिया किस प्रकार से होगी। एक निर्वाचक मंडल होता है, अब उसके अनुसार बताया जाता है। अगर आपके पास कोई बुक है तो उसमें आपको इस तरीके से दिया गया होगा, राष्ट्रपति की पूरी चुनाव विधि समझाई गई होगी। अब इसमें हम देखेंगे अनुच्छेद 54 में बात स्पष्ट कर दी गई कि निर्वाचन मंडल किस तरीके से काम करता है। तो देखिए निर्वाचन मंडल के माध्यम से किस तरीके से होगा, संसद के दोनों सदनों में निर्वाचित सदस्य होते हैं और दूसरा राज्य के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य होते हैं वो भी शामिल होंगे। राष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचक मंडल करता है जिसे इलेक्टोरल कॉलेज भी कहा जाता है, वो ये काम करता है। अनुच्छेद 54 के अनुसार यानी जनता अपने राष्ट्रपति का चुनाव कभी भी सीधे नहीं करती है, जबकि आपको पता होगा जब भी राष्ट्रपति का चुनाव होता है तो आपके पेरेंट्स या आप लोग कभी भी वोट देने नहीं जाते होंगे, जबकि उनका जो चुनाव क्या होता है प्रतिनिधि के द्वारा करता है क्या। तो इसको हम ये भी कह सकते हैं कि राष्ट्रपति का चुनाव सीधे तौर पर ना होकर परोक्ष विधि के द्वारा या अप्रत्यक्ष विधि के द्वारा किया जाता है। भारत में राष्ट्रपति के चुनाव में एक विशेष तरीके से वोटिंग भी होती है, इसे सिंगल ट्रांसफरेबल वोटर सिस्टम कहा जाता है। इसको मैं आपको इस तरीके से बताऊंगी कि देखिए आपके ना चार च्वाइस होती है। अगर सपोज करो राष्ट्रपति के पद पर चार से पांच लोग हैं तो उन सब के इस तरीके से बोला जाता है कि पहली पसंद कौन सी है, दूसरी पसंद कौन सी, तीसरी पसंद कौन सी है। तो यानी कि आपको नंबर वन पे अगर आपको सपोज कीजिए अभी हमारे प्रेजेंट के राष्ट्रपति हैं, प्रेजेंट के राष्ट्रपति हमारे रामनाथ कोविंद जी हैं, तो आपने फर्स्ट अपने चॉइस रामनाथ कोविंद को करवा दी, सेकेंड चॉइस आपने किसी और पर्सन को करवा दी, तीसरी चॉइस अपने किसी और पर्सन को कर दी। इस तरीके से आप नंबरिंग सिस्टम करते हैं और इसमें जिसका नंबर वन पे सबसे ज़्यादा जिस व्यक्ति को माना जाता है नंबर वन की काउंटिंग देखी जाती है कि प्रेफरेंस किसकी थी। तो अगर आपका नंबर वन पे सभी ने ही रामनाथ कोविंद जी को माना है तो उनको राष्ट्रपति चुन लिया जाएगा। अगर प्रॉब्लम आती है कि नंबर वन पर जो माने गए हैं वो बहुत कम लोग माने गए हैं और दूसरी जगह पे काउंट किया जाता है, तो ऐसा होता है कि जिनकी नंबर वन की प्रेफरेंस थी उनकी नंबर वन की प्रेफरेंस ले ली और जो वोटिंग सिस्टम बच गए हैं उनकी नंबर टू की प्रेफरेंस देखी जाती है कि नंबर टू पे कितने लोगों ने रामनाथ कोविंद जी को मांगा है। तो ये जो प्रेफरेंस है इसके अकॉर्डिंग काउंट की जाती है। उसके बाद यदि पहली पसंद वाले वोटों के विजेता का फैसला नहीं हो सका जो मैं आपको बताई तो वोटों को ट्रांसफर किया जाता है और इसे सिंगल ट्रांसफर वोट कहा जाता है जो मैं अभी आपको बता रही थी। वोट डाले वाले सांसदों और विधायकों के मतों की प्रमुखता भी अलग अलग होती है, इसे वेटेज भी कहा जाता है। वेटेज का मतलब राज्य की जनसंख्या के आधार पर होता है और इसका अनुपाती पद्धति व्यवस्था भी कहा जाता है। राष्ट्रपति चुनाव लड़ने की क्या क्या योग्यताएं होती हैं, योग्यताएं सबसे पहले तो यही होती है कि भारत के नागरिक होने चाहिए, 35 वर्ष की आयु को पूरा कर चुका होगा और लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की पूरी पूरी योग्यता जो भी चाहिए होती वो होनी चाहिए। भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के स्थानीय या अन्य अधिकारी जो भी अधीन के लाभ पर कोई भी पद धारण ना कर रहे हों ये बात का ध्यान रखना होता है। इसके अलावा ये भी प्रयोजन होता है कि भारत के राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति किसी राज्य के राज्यपाल केंद्र या राज्य सरकार के किसी भी मंत्री को के लाभ के पद पर उनको नहीं माना जाएगा, यानी कि जब वो राष्ट्रपति के पद के लिए चुनाव लड़ते हैं तो ये सारी चीज़ें उनको छोड़नी पड़ेंगी, त्यागनी पड़ेंगी। राष्ट्रपति की शपथ कैसे होती है, राष्ट्रपति की शपथ है कि श्रद्धापूर्वक राष्ट्रपति पद का वो पालन करेंगे, संविधान और विधि का परीक्षण संरक्षण और प्रतिरक्षण करेंगे और भारत की जनता की सेवा और कल्याण का निरंतर वो
ध्यान रखेंगे। अच्छा, उसमें ये भी है कि जो उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है उनके अनुपस्थिति में उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठतम जो होते हैं उनके द्वारा राष्ट्रपति जी को पद की शपथ दिलाई जाती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में आता भी है। उसके बाद देखिए राष्ट्रपति की शक्तियाँ क्या होती है। देखिए टोटल जो राष्ट्रपति की शक्तियाँ हैं वो 7 होती हैं और वो कौन कौन सी पद हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। देखिए जैसे भारत का प्रधानमंत्री या मंत्री परिषद, महान्यायवादी या महालेखा परीक्षक, ये सारे के सारे जो काम दिए गए उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश, राज्यों के राज्यपाल, उपराज्यपाल, मुख्य निर्वाचक आयुक्त, अन्य निर्वाचन आयुक्त, संघ सेवा लोक आयोग और वित्त आयोग के अध्यक्ष और अनुसूचित जनजातियों के विशेष अधिकारी, ये सारे के सारे जो कार्य हैं ये राष्ट्रपति के अंडर में आते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे सैन्य शक्तियाँ। आपको मैंने पहले बता दी कि सैन्य शक्तियाँ जो तो सर्वोच्च सेना को सर्वोच्च जो है वो उन्हीं को माना जाता है राष्ट्रपति जी को। दूसरा है राजनयिक या कूटनीतिक शक्तियाँ। तो ये वो शक्तियाँ होती हैं कि जिसमें राज्य का प्रमुख होने के नाते राष्ट्रपति अन्य देशों के लिए राजदूतों और कूटनीतिक अधिकारियों की नियुक्ति करते हैं और राजदूतों और अन्य प्रतिनिधियों का स्वागत भी करते हैं। इसके अलावा वे संसद के दोनों सदनों के संसद सत्र हेतु आयुक्त करते हैं। दोनों सदनों के गतिरोध की स्थिति में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक भी बुलाते हैं। प्रत्येक आम चुनाव के पहले सत्र या प्रत्येक वर्ष के पहले सत्र के आरंभ पर राष्ट्रपति दोनों सदनों के संयुक्त सत्र को संबोधित करते हैं। इसके अलावा ऐसे 12 व्यक्तियों को राज्यसभा में नामांकित भी करते हैं जिनके पास साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा में कोई विशेष ज्ञान या व्यवहारिक अनुभव हो। क्योंकि आपको पता ही कि राज्यसभा की जो सीट है उसे 12 जो सीटें हैं वो राष्ट्रपति के द्वारा खुद की जाती हैं। वित्तीय शक्तियाँ क्या क्या होती हैं। वित्तीय शक्तियाँ कि धन विधेयक राष्ट्रपति के पूर्वानुमति से संसद में प्रस्तुत किया जाता है। उसके बाद है इसमें और क्या क्या चीज़ें, से अनुदान की कोई भी मांग अगर उनकी सिफारिश के बिना नहीं की जा सकती है उसके लिए विभाग के आकस्मिक निधि से किसी भी अदृश्य व्यय हेतु अग्रिम भुगतान की व्यवस्था कर सकते हैं। वे राज्य और केंद्र के मध्य राजस्व के बंटवारे के लिए भी प्रत्येक 5 वर्ष में वित्त आयोग का गठन भी करते हैं। न्यायिक शक्तियाँ होती है हमारी। न्यायिक शक्तियों के अंतर्गत राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय में प्रमुख न्यायाधीश एवं अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति भी करते हैं। इसके अलावा क्षमादान किसी को देना, लघुकरण, परिहार, विराम, प्रतिलंबन, जैसे किसी को अगर मृत्युदंड दे दिया गया है तो राष्ट्रपति से अपील करके अपनी सजा को कम करवा सकते हैं, बाइज्जत बरी भी करवा सकते हैं। इसके बाद इनके फैसले पर कोई भी क्वेश्चन नहीं उठाया जाता। राष्ट्रपति की वीटो शक्ति क्या क्या होती है। राष्ट्रपति की वीटो शक्ति 2 कारणों से उनको दी जाती है। यदि विधायिका ऐसा कोई कानून बना रही हो जो संविधान की मूल भावना के विपरीत हो उसे रोका जा सकता है। दूसरा, यदि विधायिका ने कानून के कुछ पक्षों पर, कुछ पक्ष जो भी हैं उन पर पर्याप्त विचार विमर्श नहीं किया है, जल्दबाजी में पारित कर दिया तो उसे भी सुधारा जा सकता है राष्ट्रपति की वीटो पावर के द्वारा। तो ये वीटो पावर बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। उसके बाद जो हमारी अंतिम शक्ति आती है वो आपातकालीन शक्ति है। इसमें ना भी जोड़ना था, आपातकालीन होता है। यदि राष्ट्रपति को कोई ऐसा समाधान दिया जाता है कि युद्ध या बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह का कोई भी उनको संभावना लगती है तो उस टाइम पर उनको लगता है कि भारत जो है वो किसी वजह से या उसके किसी भाग पर कोई संकट आ गया है तो उस भाग में या पूरे भारत में आपातकाल का जो समय है वो घोषित कर सकते हैं। उसके अलावा राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्तियाँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, जो संसद में दोनों सदन एक साथ सत्र में ना हो, इसका अर्थ है कि अगर एक सदन सत्र में हो और दूसरे में अध्यादेश जारी को किया जा सकता है। उसके बाद आपका है अन्य शक्तियाँ। अन्य शक्तियों में जो अनुसूचित और जनजातियाँ जो है उनके लिए जो विभिन्न सामाजिक समूह को पहचानने तथा उनको सूचियों में शामिल करने की शक्तियाँ राष्ट्रपति के पास होती हैं और ये 341 और 342 जो हमारा अनुच्छेद है उसमें इसका पूरी तरीके से वर्णन किया गया है। इसके अलावा संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन राष्ट्रपति के अधीन ही चलाया जाता है। उसे इन क्षेत्रों में प्रशासन के संबंध में नियम बनाने की पूर्ण पूर्ण शक्ति प्राप्त की जाती है। राष्ट्रपति की जो है पदावधि कितने समय की होती है हम इसके बारे में बात करेंगे। तो राष्ट्रपति की जो पदावधि है वो केवल 5 वर्ष होती है और एक व्यक्ति केवल 2 ही बार अपना जो ये इलेक्शन है लड़ सकता है राष्ट्रपति के पद के लिए। और या फिर वो अगर उनके बीच में अगर मृत्यु हो गई तो उनका पद खाली हो सकता है या फिर उन पर महाभियोग भी चलाया जा सकता है। वो कौन कौन से प्रावधान है वो मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को संबोधित त्यागपत्र के माध्यम से अपने पदावधि का समाप्त कर सकता है। और आपको मैंने जो वाइस प्रेसिडेंट यानी कि उपराष्ट्रपति के बारे में बताया था तो मैंने बता दिया था कि जब भी कभी राष्ट्रपति का पद खाली होता है तो सारा का सारा जो कामकाज है वो उपराष्ट्रपति ही चलाता है। दूसरा, यदि राष्ट्रपति संविधान का अतिक्रमण करता है, उन पर किसी वजह से महाभियोग चलाया जाए,
या फिर उनका कार्यकाल समाप्त हो जाए, या फिर पद ग्रहण करने के लिए अहम कोई भी योग्यता में गड़बड़ हो या निर्वाचन को अवैध घोषित कर दिया हो, तो उस टाइम पे भी सारे जो कामकाज हैं वो उपराष्ट्रपति संभालते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे कि राष्ट्रपति में महाभियोग किस प्रकार चलाया जा सकता है। तो महाभियोग चलाने की कुछ ही चीज़ें हैं, जैसे कि सबसे पहले यदि संसद का कोई सदन राष्ट्रपति पर संविधान के अतिक्रमण पर आरोप लगाए, और आरोप लगाने की क्या क्या जो शर्तें हैं वो हैं, यह आरोप एक संकल्प के रूप में होना चाहिए, यह कम से कम 14 दिनों की लिखित सूचना के बाद प्रस्तावित किया जाना चाहिए, सदन की कुल संख्या के कम से कम 1/4 सदस्यों ने हस्ताक्षर करके उस संकल्प को प्रस्तावित करने का प्रयोजन किया हो। जब संसद का एक सदन ऐसा आरोप लगा दे तो दूसरा सदन उस आरोप का अन्वेषण करेगा, वो देखेगा कि जो आरोप लगाया गया है वो सही भी है नहीं भी है, अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो वो बचाव पक्ष भी प्रस्तुत कर सकते हैं। यदि जांच के बाद अगर दूसरा सदन भी सहमत हो जाता है तो राष्ट्रपति के विरोध लगाए गए आरोप सिद्ध हो गया है तो 2/3 बहुमत के पारित करने के बाद, ऐसा संकल्प पारित करने के बाद राष्ट्रपति को पद से हटा दिया जाना माना जाएगा। उसके बाद राष्ट्रपति के पद की रिक्तता हो जाती है, उसकी पूर्ति कैसे की जाती है, अगर राष्ट्रपति का पद रिक्त हो गया है तो उपराष्ट्रपति तो काम करता ही है, और उपराष्ट्रपति भी अगर नहीं है समय पर तो फिर उच्चतम न्यायालय का जो न्यायाधीश है वो इस काम को करते हैं। यह आपकी पूरी लिस्ट आपके सामने है कि सबसे पहले राजेंद्र प्रसाद थे, दूसरे थे वे सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो कि हमारे पहले हमारे उपराष्ट्रपति थे, और जो हमारे प्रेजेंट हैं वो है रामनाथ कोविंद जी। और मैं आपके सामने क्वेश्चन लेकर आने वाली हूँ, वो क्वेश्चन आपका ये है कि आपको पता होना चाहिए कि राष्ट्रपति का जो पद है वो राष्ट्रपति के पद में एक हमारे राष्ट्रपति जी थे जो निर्विरोध चुने गए थे, वो कौन से हैं जो हमारे निर्विरोध चुने गए थे राष्ट्रपति, उनका आपको नाम बताना है। आपकी बुक्स में आपको मिलेगा, और आपको ये ढूंढ कर कमेंट बॉक्स में लिखना ज़रूर है कि निर्विरोध राष्ट्रपति आज तक कौन से चुने गए हैं। थैंक यू सो मच।